खबर है अधीर रंजन लोकसभा में कांग्रेस के नेता होंगे। राहुल गांधी ने पद लेने से इनकार कर दिया था। लंबी रणनीतिक चर्चा के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। राहुल गांधी सोनिया गांधी भी चर्चा में मौजूद रहे। लंबी रणनीतिक चर्चा के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता अब होंगे अधीर रंजन चौधरी। सभी महत्वपूर्ण चयन समितियों में पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। पश्चिम बंगाल से लोकसभा चुनाव जीते हैं अधीर रंजन चौधरी और अब कांग्रेस के नेता हैं अधीर रंजन। और चलिए दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति नागर हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुकी है। अदिति, अधीर रंजन को कांग्रेस का नेता चुना गया है, इसके पीछे की क्या अहम वजह? देखिए, लगातार अधीर रंजन का नाम सबसे आगे था दौड़ में। और देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने हार के बाद अपना पद छोड़ने पर अड़े हुए थे और कांग्रेस संसदीय दल के नेता सोनिया गांधी बन चुकी थी और ऐसे में अब सबकी नजर लोकसभा में कांग्रेस के नेता के पद पर थी। अब अधीर रंजन का नाम जो पिछले लगातार इस दौड़ में सबसे आगे था, अब उनको जो है नाम फाइनल कर दिया गया। हालांकि इस नाम में मनीष तिवारी, शशि थरूर का भी नाम दौड़ में था, लेकिन अब अधीर रंजन चौधरी होंगे लोकसभा में जो जो पद है वो कांग्रेस के नेता के रूप में अधीर रंजन इस पद पर होंगे। और बीच में ये भी अटकलें थी कि क्या राहुल गांधी को बनाया जाएगा, क्या राहुल गांधी रहेंगे, लेकिन अब आपको बता दें कि राहुल गांधी के इनकार के बाद अधीर रंजन चौधरी चुने गए हैं लोकसभा में कांग्रेस के नेता। और इसके सबसे बड़ी बात देखिए, अधीर रंजन होंगे लोकसभा में कांग्रेस के नेता, राहुल गांधी के इनकार के बाद लिया गया है फैसला और इसके साथ साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मौजूदगी में चुना गया इनको। और तमाम जब बैठकें हुई और पिछले दो दिन से लगातार बैठकें थी तो उसमें अधीर रंजन के नाम पर सहमति बनाई गई और राहुल गांधी द्वारा ये पद नहीं लेने के बाद ये फैसला लिया गया है। और इस दौरान यूपी अध्यक्ष जो सोनिया गांधी है वो भी उपस्थित रही जब ये फैसला लिया गया। और अधीर चौधरी का उल्लेख करते हुए लोकसभा को एक पत्र लिखा गया कि वे सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी के नेता होंगे। पत्र में ये भी लिखा गया था कि वो सभी महत्वपूर्ण चयन समितियों में पार्टी के प्रतिनिधित्व ही करेंगे। और कांग्रेस पार्टी ने आपको और भी तमाम चीजें जो इस पत्र में लिखने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बुलाई गई बैठक पर भी फोकस जो है वो आगे उसकी भी रणनीति तैयार की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा के लिए बुलाई है इस बैठक को। कांग्रेस के अलग अलग तर्क देकर अभी तक इसका विरोध ही किया गया है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनाव हारने के बाद लोकसभा में कांग्रेस के नेता का विकल्प देना जरूरी था, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के इस मुद्दे पर नरमी रहेगी। तो अब अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता होंगे लोकसभा में और आज ये फैसला राहुल गांधी सोनिया गांधी की उपस्थिति में लिया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया अदिति आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो अधीर रंजन लोकसभा में कांग्रेस के नेता होंगे, मौजूदगी राहुल गांधी की भी थी, सोनिया गांधी की भी थी और उनकी मौजूदगी में ही यह अहम फैसला लिया गया।